हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कीर्तन तक मैंने आपको दिखा दिया था, आगे का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये है टेंट लगा हुआ, यहाँ पर मेहंदी रस्म होगी मेरी ननद की। मेहमान आने भी शुरू हो गए हैं, यहाँ से एंट्री है गेट से और वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है। ये मेरी जेठानी की लड़की है, दोनों मेरी बिटिया। ये मेहंदी का स्टेज लगा हुआ है, रस्म शुरू हो गई है मेहंदी की, खाना भी शुरू हो गया है यहाँ पर।
दोस्तों मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है। अब आ चुके हैं हम घर, घर में कर रहे हैं मिठाई पैक। आप देख सकते हो अरसा आ रखा है जिसको मामा जी पैक कर रहे हैं। ये जाएगी मेरे ननद के ससुराल में, चार कनस्तर, एक में जा रहे हैं अरसे, एक में लड्डू, एक में मट्ठी पकोड़े वगैरह जाएंगे। देखते हैं किस हिसाब से पैक कर रहे हैं। अरसे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ये बिल्कुल आगरा खाल से ऑर्डर किए गए हैं, आगरा खाल में इतने अच्छे अरसे बनते हैं। और मिठाई आ रखी है चिन्याली सौड़ गुनसोला होटल से, काफ़ी टेस्टी हो रही है मिठाई भी। हमने सब चिन्याली सौड़ से मंगाई मिठाई। और अब ये पैक होंगे मेरे ननद के ससुराल के लिए और लेने देने के लिए। ये देखो चाय अरसा पकोड़ा सब खा रहे हैं। और मेहंदी वाला, ये देखो ये लड़की है, इसकी शादी है। ये लड़की को रात को टाइम नहीं मिला, डांस करने से फुर्सत नहीं था। अब ये मेहंदी लगा रही है, डिजाइन लगा दिया आधा और। अरे आधा छोड़ के चली गई इसकी बुआ, इसको आधा लगा दिया आधा छोड़ दिए, आगे का डिजाइन ये पूरा करेगी। ये जलेबी जलेबी बनाने लगी है उस डिजाइन में शायद। कौन बना रहा है जलेबी? पकौड़ी बना रही हूँ। इसको पकौड़ी पसंद है। पकौड़ी तो कल बन गई। दोस्तों ढोल वाले आ गए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। कब रात हुई कब सुबह हुई पता ही नहीं चला, शादी के घर में पता ही नहीं चलता है। आज है मेरी ननद की हल्दी हार, जो हमारा वेडिंग पॉइंट में होगा पूरी रस्म विदाई तक। ढोल वाले आ गए हैं, अब पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है। अब पंडित जी आ जाएंगे, उसके बाद सब हम वेडिंग पॉइंट जाएंगे और वहाँ हल्दी रस्म शुरू करेंगे। अब विदाई तक उधर ही सारी रस्में होगी। अभी हम नाश्ता पानी वगैरह खाएंगे, उसके बाद सब जाएंगे। दोस्तों ये मेरी तीनों नंदे हैं, सबसे बड़ी येलो चुन्नी वाली है, फिर रेड सूट वाली है, फिर छोटी है, फिर नंबर वाइव से, फिर देवर जी बैठे हुए हैं। अब अगला नंबर शादी का मेरे देवर जी का है। तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसका नंबर पड़ रहा है वो छत में आके फटाफट नाश्ता करके अपना रेडी हो रहे हैं।